It's a brand new day and I am in a brand new location. Well, मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं वो है द मैग्निफिसेंट फूजी सान, जो है जापान की टॉलेस्ट पीक एंड इट्स अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। ये 3776 मीटर्स टॉल है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये माउंटेन ना, इसमें एक यूनिक बात है और वो ये है कि ये एक वॉल्केनो है, बट हाँ, लास्ट इरप्शन जो हुआ था वो 1707 में हुआ था, उसके बाद से ये डोरमेंट है। इसीलिए आप इसके टॉप में अगर देखेंगे तो जो वो वाइट वाइट जो आपको दिख रहा है, दैट इज़ बिकॉज इट हैज़ अ वॉल्केनिक नेचर। हम इस व्लॉग में माउंट फूजी क्लाइंब नहीं करेंगे, बस इसकी खूबसूरती इंजॉय करेंगे दूर से अपने होटल से। लेकिन हाँ, अगर आप में से किसी को भी माउंट फूजी क्लाइंब करने का मन हो तो द बेस्ट मंथ्स आर फ्रॉम मे टू सेप्टेम्बर, एंड बहुत लोग करते हैं, मैनी पीपल क्लाइंब माउंट फूजी। और एक इसमें खास बात है कि जब आप क्लाइंब अपना प्लान करते हैं ना, तो आपके पास बीच में एक प्रॉपर एक ट्रैक बनाया हुआ है फॉर द ईज ऑफ पीपल टू क्लाइंब माउंट फूजी। और आपको बीच बीच में ये हट्स भी मिलती हैं जहाँ पर आप रेस्ट ले सकते हैं, जहाँ पर आप एक मील खा सकते हैं, आराम कर सकते हैं और फिर रिचार्ज करके वापस अपना क्लाइंब आप शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपनी जापान ट्रिप में माउंट फूजी को अपनी आइटिनरी में नहीं रखते, बट आई वॉज 100% कि इट हैड टू बी इन माई आइटिनरी। आई जस्ट हैड टू सी माउंट फूजी। तो अगर आप टोक्यो से आ रहे हैं तो आपको एक बुलेट ट्रेन लेनी पड़ेगी टोक्यो से, लेकिन मैं आ रहा हूँ ओसाका से। और ओसाका से आप बुलेट ट्रेन लेकर आते हैं मिशिमा स्टेशन, और फिर मिशिमा स्टेशन से आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। आई टुक अ बस फ्रॉम मिशिमा स्टेशन टू कावागुचिको स्टेशन। तो एक प्रो टिप दूंगा कि जब आप ये बुलेट ट्रेन में आप अपनी सीट ले रहे हैं तो ट्राई एंड टेक द सीट ऑन द लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड से आपको एक अच्छा व्यू माउंट फूजी का मिलेगा। एंड इन 2.5 hours फ्रॉम ओसाका यू विल बी इन मिशिमा स्टेशन। और जब आप मिशिमा स्टेशन पहुंचे तो उसके बाद जस्ट फाइंड द साउथ एग्जिट, दैट इज वेयर यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम। साउथ एग्जिट से आप निकलिए, बाहर आइए, एंड देन यू टेक अ बस और आप आराम से पहुंच जाएंगे कावागुचिको। हेलो गाइस, सो मैं आ गया हूँ मिशिमा स्टेशन। ओसाका से बुलेट ट्रेन लेकर सीधे मिशिमा स्टेशन। अगेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड स्पेशली दिस बिट हियर इसलिए कि लाइक आई टोल्ड यू कि जब मेरे को टोक्यो से क्योटो जाना था टू बुक योर बुलेट ट्रेन विच इज़ योर शिनकानसेन इन एडवांस, इफ़ नॉट वन डे एटलीस्ट अ फ्यू डेज इन एडवांस। तो सेम चीज़ मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको माउंट फूजी की तरफ आना है, योर रूट इज़ गोइंग टू बी आइदर, मैं ओसाका से आया हूँ, आप हो सकता है कि टोक्यो साइड से आए, तब आपका रूट डिफरेंट होगा और टाइम कम लगेगा। बट अगेन यू विल हैव टू टेक द बुलेट ट्रेन विच इज़ द शिनकानसेन। बुक योर टिकट्स फॉर द, इट्स इंक्लूडेड इन योर JR पास, लेकिन तब भी ये आपके JR पास में इंक्लूडेड है, लेकिन तब भी बुक इट इन एडवांस ताकि आपको रिजर्व सीट मिल जाए। और अगर आप दो तीन चार लोग साथ में हो तो आपको साथ में वो मिल जाए सीट्स, क्योंकि हम तीन लोग हैं लेकिन हमें साथ में नहीं मिली, एक को बीच में, एक को कहीं और, एक को कहीं और, ऐसा हुआ। और अब क्या हो गया है कि मैं मिशिमा आ गया हूँ। मिशिमा से आपको जाना होता है कावागुचिको स्टेशन, और कावागुचिको स्टेशन से आपको जहाँ पे भी आपका होटल है माउंट फूजी के पास वहाँ। तो अब क्या हो गया है कि मिशिमा से कावागुचिको स्टेशन, इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू टेक द टैक्सी, बिकॉज टैक्सी इज अबाउट 10,000 rupees, तो वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन टेक द बस, बट ये है बस की फ्रीक्वेंसी। नाउ व्हाट इज हैपेंड विद मी इज आई एम हियर एट 12 एंड बस की टिकट का तो खैर पता ही नहीं था दैट यू कैन बुक इट इन एडवांस एंड ऑल दैट, क्योंकि इस वाले रूट में मैंने थोड़ा नेग्लिजेंस कर दिया और एडवांस में और उतना डेप्थ में एनालिसिस नहीं किया, रिसर्च नहीं किया। आई थॉट कि हो जाएगा आसानी से, बट नाउ व्हाट इज हैपेंड इज कि जो 120 की बस मुझे चाहिए थी वो मुझे नहीं मिल रही है, और 120 के बाद 220 की बस भी नहीं है, सीधे अब मिल रही है 420 की बस। उससे पहले सब सोल्ड आउट है एंड सो देर इज़ गोइंग टू बी अ बिग 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 डिले
अब लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना तो है क्योंकि बुकिंग ऑलरेडी मेड है एंड इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस सेंसेस फूची. देयर टैक्सी इज गोइंग टू पिक मी अप एट 3 PM फ्रॉम द कावागुची क्रू स्टेशन. अब उनको भी बोलना पड़ेगा कि टू कम लेटर, क्योंकि कावागुची से 4:20 तो यहाँ से मेरी बस है, तो मैं कावागुची क्रू पहुँचूँगा कुछ 5:26 और फिर वहाँ से और मेरे को टाइम लगेगा आगे जाने में. तो या आज का दिन तो लगता है कि ये मिशिमा स्टेशन में ही जाने वाला है. तो आई थिंक ग्रैब सम लंच, 3 घंटे तो किल करने ही है, देखते हैं. आई मीन ऑल्सो आई वॉज लुकिंग फॉर सम अदर ऑल्टरनेटिव, बट देन इट इज प्रीटी मच द सेम. एक दूसरा रूट है जिसमें मैं आधा घंटा सेव करूँगा, बट आई विल हैव टू टेक 3 more trains थ्रू अ डिफरेंट रूट विच आई फाउंड वेरी कंफ्यूजिंग. Now I am just going to stay for lunch at the when you are making your reservation or planning your travel itinerary from the Wala site, maybe as well in advance of research that you and it will be very very important. So, 3 baj rahe hain, Starbucks is done. Eat another sandwich, थोड़ा ये मिशिका मार्केट जो है, मिशिमा सॉरी, आई जस्ट गेट कंफ्यूज विद द नेम्स, मिशिमा मार्केट भी थोड़ी घूम ली है. एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, क्योंकि 20th को मेरी वापसी है फ्रॉम माउंट फूजी, और वापसी में आई हैव टू गो टूवर्ड्स टोक्यो. तो ये जो आज का जो मिसअप हुआ है, मैं आई वांट टू मेक श्योर कि ये 20th को ना हो और सब स्मूथ चले. तो मैं ऑलरेडी अब मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि मेरे को कौन सी बस की टिकट्स और कौन सी ट्रेन की टिकट्स बुक कर दी हैं फॉर 20th, सो दैट आई अवॉइड ऑल दिस. So I think next half an hour I'm going to figure all of that out. और बस फिर वेट करता हूँ कि, एंड आई मीन दे आर ऑलवेज ऑन टाइम हियर, ट्रेन्स आर ऑलवेज ऑन टाइम, बसेज ऑलवेज ऑन टाइम. एक जगह पर मैंने देखा था थोड़ा डिले था, बट वो पहले ही मैंशन कर देते हैं. तो बस अब वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से 4:20 हो और मैं बस में बैठूँ और निकलूँ, बिकॉज आई थिंक पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो जाएगा. एंड द सेंस फूजी दोज गाइज आर सपोज टू लाइक आई सेड सेंड कैब एट 3 PM एंड आई हैव नॉट मैनेज टू कम्युनिकेट, क्योंकि कम्युनिकेशन पूरा ईमेल में हो रहा है. एंड ईमेल मैंने उनको भेजा अबाउट द डिले, बट देर इज़ नॉट बीन एनी रिवर्ट फ्रॉम देम. इनफैक्ट कल भी मैंने उनको पूरा ईमेल भेजा था कि प्लीज़ एटलीस्ट लेट मी नो वॉट विल बी द कैब नंबर एंड वॉट विल बी द नेम ऑफ द पर्सन, बट कुछ आया नहीं है कल से कुछ भी उनका ईमेल. सो आई डोंट नो वेदर अ कैब केम, वेदर इट डिड नॉट कम, वेदर दे आर रिसीविंग द ईमेल और नॉट. तो ये है आज का दिन, तो ये मिशिमा में ही निकल गया. आई मीन पहले बुलेट ट्रेन और फिर अब यहाँ. एंड आई एम जस्ट होपिंग कि जल्दी से पहुँचूँ. 4:20, 5:26, आई डोंट थिंक आई विल रीच बिफोर 7 PM टुडे. और 7 PM आई थिंक दे हैव डिनर स्लॉटेड, नाइस बारबेक्यू सेटअप. दोनों दिन यहाँ पर ब्रेकफास्ट और डिनर है, अर्ली ब्रेकफास्ट, 7 PM डिनर विद बारबेक्यू. एंड लंच वंच कुछ नहीं है बिकॉज दे एक्सपेक्ट पीपल विल बी आउट एक्सप्लोरिंग, और इनके पास दे हैव अ नाइस सोना स्पा एंड ऑल दैट. सो या दैट इज दैट, नॉट बीन द मोस्ट एक्साइटिंग ऑफ डेज, जस्ट बीन अ वेरी स्लगिश धीरे धीरे वाला काइंड ऑफ अ डे. बट होपिंग कि अब जल्दी से बिना कोई और इश्यूज के पहुँच जाऊँ और आराम से द सेंस फूजी इंजॉय करूँ. आई सी यू फ्रॉम द बस नाउ. 1:1 hour की फ्रीक्वेंसी है बसेस की, बट हमेशा पैक्ड ही रहती हैं. सो देर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल हु आर ट्रैवलिंग. अगेन अगेन रिमाइंडर, डू बुक इट इन एडवांस. बहुत आपको ईजी हो जाएगा इफ़ यू बुक इट इन एडवांस. हेलो, सो आई हैव नाउ रीच्ड कावागुचीकू स्टेशन, जो है आपका फाइनल स्टॉप. और यहाँ से फिर अगर आपको द सेंस फूजी जाना है, जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ, तो आपको कैब ही लेनी है. यू हैव नो अदर ऑप्शन. एंड ये छोटा सा स्टेशन है, बट इट इज़ सामने ये है कावागुचीकू स्टेशन एंड इट इज़ एब्सोल्युटली पैक्ड. आगे आगे तक बसेस 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 बसेस. कोई दिल्ली या बॉम्बे का ही बस स्टैंड लग रहा है, बिकॉज देर आर सो मैनी पीपल हियर एंड दैट इज़ द क्यू फॉर टैक्सी. उसके लिए भी बहुत लाइन है. फ्रीक्वेंट टैक्सी सर्विस है, देर इज़ वेटिंग. आई हैव ऑलरेडी बीन वेटिंग सिंस
15 मिनट्स, अभी सिर्फ एक टैक्सी आई है और मुझसे पहले कुछ 10 लोग हैं जो लाइन में खड़े हैं. सो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम. एक चीज़ मैंने कर दी है कि मैं परसों जब यहाँ से मेरे को वापस टोक्यो जाना है तो मैंने ऑलरेडी अपनी बस की टिकट बुक कर दी है. मोस्ट ऑफ द बसेस अभी से जैसे और लोग थे वो भी काउंटर पर खड़े थे, बहुत सारी बसेस ऑलरेडी पैक्ड थी तो टिकट्स मिल नहीं रही थी. अ लॉट ऑफ पीपल वर हैविंग टू सब्स्टिट्यूट द बस राइड एंड टेक अ ट्रेन राइड एंड ऑल दैट क्योंकि नहीं था. ऑल्सो आई डोंट नो, मे बी इट इज़ अ गुड सीज़न टू विजिट जापान, इसलिए ऐसा हो रहा है, बट बहुत क्राउड है. सो आई वुड एडवाइज़ कि भाई जब आप माउंट फूजी की तरफ प्लान कर रहे हो या आप कोई भी जापान में ना एक सिटी से दूसरी सिटी जहाँ लंबा थोड़ा रास्ता है, जहाँ आपको बुलेट ट्रेन लेनी है, यहाँ विद इन द सिटी जो नहीं है, जो सिटी के बाहर है, आप प्लीज़ वेल इन एडवांस इवन इफ़ यू हैव द JR पास आप अपनी रिजर्व सीट ले लीजिए, बुक कर लीजिए, बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा. बस नाउ आप होप कीजिए कि मेरी टैक्सी जल्दी आ जाए, मैं बैठूं और मैं पहुंच जाऊं जल्दी से द सेंस फूजी क्योंकि आज का दिन बहुत ही वेस्ट हो गया. स्टेशन और बस स्टैंड पे ही निकल गया. सो आई जस्ट वांट टू, आज ऐसा लग रहा है कि मैं शायद जापान में नहीं हूँ, मैं कहीं और अपने वहीं पर ही हूँ कि पूरा दिन ही मेरा स्टेशन पर निकल गया या बस स्टैंड पर निकल गया. सो आई जस्ट वॉन्ट टू नाउ गेट डन एंड आई वॉन्ट टू रीच ताकि मैं चिल करूं और रात तो शायद जल्दी सो भी जाऊंगा. बट हाँ, ऑन द वे वो ब्यूटीफुल माउंट फूजी का व्यू आया था एंड आई फ्रॉम द पिक्चर्स एंड वीडियो दैट आई सीन जहाँ मैं रह रहा हूँ द सेंस इट हैज़ वन ऑफ द बेस्ट व्यूज ऑफ माउंट फूजी. बस होप करो कि क्लाउडी ना हो, दैट्स अबाउट इट. चलिए अब मैं आपको मिलता हूँ अपने होटल से, टेक केयर. सो फाइनली वी मेड इट टू द सेंस फूजी. काफ़ी लेट हो गया था, काफ़ी टायरिंग डे था, चेक इन फॉर्मेलिटीज़ पूरी की और हाँ थोड़ा यहाँ पर इनको इंग्लिश नहीं आ रही थी तो गूगल ट्रांसलेट रियली हेल्प. उसके बाद बैग्स वैग्स रखे अपने स्वीट में एंड आई वाज सुपर हंग्री एंड जितने भी मैंने रिव्यूज़ पढ़े और जो सुना है ना, द सेंस फूजी का खाना बहुत बहुत टेस्टी है. सो आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ नाइस डिनर और उसके बाद मैं सिर्फ सोना चाहता था. So I started with a pumpkin soup, some fruits and some grilled vegetables and then it was time to move on to the main course. Thank you. Chicken? No wait. No? Only vegetables. This? This. Dinner served. Oh, this is the main course. The mutton, this is chicken, this is beef, wagyu, this is duck, all grilled to perfection. Some veggies, capsicum, brinjal, mushroom. So this is the timer. When the timer goes off, that's when your rice is ready. You remove the lid and here is the curry. Excited to try this curry. And about the meat, the lamb was perfectly done, the beef was wagyu, very nice, chicken very juicy, but in the menu it's tandoori chicken. I think in India we do the tandoori chicken better, we do it the best. So yeah, but apart from that, oh man, what a feast. Dinner, there's the timer. Whew. Let's go. So this bit I think very Indian, how we eat our dal and curry, rice and curry, very similar to that. But I'm excited to try, I think it's minced. So minced chicken curry with rice.
and the curry also has some spices and herbs. But I ate it. I did not like it. I think the only time I like rice in Japan is with sushi. So that's how I like it. Otherwise, I think I'm gonna stick to the grilled stuff that is just so tasty, and I don't do much of that in India. So this, okay, not that great, but this, very good. तो कल डिनर करते ही उसके बाद मैं सो गया था. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. और ये जो आप अभी देख रहे हैं ना, मेरा बेड जो यहाँ पर लगा है बाहर, मैं यहाँ पर नहीं सोया था, ये बस वीडियो के लिए है. तो चलिए फूजी सान को बोलते हैं गुड मॉर्निंग और अपना दिन शुरू करते हैं. ऑल्सो लेट मी गिव यू अ रूम टूर. जस्ट अ ब्यूटिफुल प्लेस, वेरी 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 ब्यूटिफुल. और ये है आपका डीलक्स स्वीट. यहाँ पे भी आप लाउंज कर सकते हो, चिल कर सकते हो. एंड यू हैव दिस इंटायर बियर टैंक विद यू. जब आपका मन करे आप अपने लिए बियर भरिए. दिस इज ऑन द हाउस. द वाइन्स आर चार्जेबल. जस्ट वन ऑफ अ काइंड. आई मीन आई हैव वोकन अप टू सम अमेजिंग व्यूज. And this is right on the top with it, waking up to Mount Fuji. I mean, आप जापान में हो तो इससे बेटर तो नहीं हो सकता, राइट? द व्यू इन फ्रंट इज जस्ट सो मैग्निफिसेंट. और लाइक आई सेड कि आप अपनी बियर का जो आपको टैंक दिया हुआ है दैट इज ऑन द हाउस. यू कैन दे विल कीप रीफिलिंग इट. यू कैन हैव एज मच बियर एज यू वॉन्ट. Apart from that, they have a wine menu as well, which is not included in the tariff of the deluxe suite. So that they have given a menu, or aap separately apne liye wine bhi order kar sakte hain. And apart from this, the spa and sauna that is included when you book. So mera timing hai 3:30 to 6 ka, and I think that is again going to be just a beautiful experience. Garam garam pani mein. चारों तरफ ठंडी गरम पानी, आप उसमें घुस जाइए और माउंट फूजी का व्यू देखिए. सो आई एम रियली रियली एक्साइटेड अबाउट दैट. बाकी चारों तरफ मैंने आपको दिखाया है, इट इज़ जस्ट सो गॉर्जियस. एंड लाइक आई सेड कि अगर आपको सिर्फ प्रॉपर्टी में नहीं रहना है तो आप यहाँ पास में ही, देयर इज एन एरिया जहाँ पे 5-6 लेक्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल, आप वहाँ जा सकते हैं. अगर आप ज़्यादा हाइकिंग के फ़ैन हैं तो आप एक्स्ट्रा कुछ 2 दिन लेके आप माउंट फूजी हाइक कर सकते हैं. और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपको एक गो में माउंट फूजी हाइक करने की ज़रूरत नहीं है. तो इन्होंने क्या कर रखा है ना कि जब आप माउंट फूजी क्लाइंब करते हैं तो बीच बीच में इन्होंने हट्स दे रखी हैं विच यू कैन रेंट फॉर द नाइट या शाम को. तो जब आप थक गए आप ओवरनाइट इनमें स्टे कर सकते हैं और अगले दिन सुबह फिर अपना हाइक शुरू कर सकते हैं. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे को चीज़ लगी कि अगर आप थक गए तो ज़रूरी नहीं है आपको कंटिन्यू करना है या आप वापस आ जाएं, आपके पास ये ऑप्शन है. तो आप ये कर सकते हैं. अदरवाइज़ आप देखेंगे बहुत सारे जो लोकल लोग हैं उन्होंने तो व्लॉग्स बनाए हैं, बट अ लॉट ऑफ पीपल हु कम फ्रॉम अदर कंट्रीज डोंट रियली कम टू दिस साइड. बट आई मस्ट से यू हैव टू एक्सपीरियंस दिस साइड ऑफ जापान टू. एंड इफ़ यू आर लकी, इफ़ यू कम इन अक्टूबर, तो जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल क्लाउड का कवर बिल्कुल नहीं है. इनफैक्ट जब हम बुलेट ट्रेन से भी जा रहे थे आई कुड सी माउंट फूजी क्लियरली. सो चीयर्स टू माउंट फूजी, चीयर्स टू अनदर ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस फ्रॉम जापान, एंड लेट्स गेट अबाउट अ डे नाउ. और प्लान था सुबह जल्दी उठने का, सनराइज देखने का, लेकिन उठ नहीं पाया. अभी उठाऊँ, और अभी भी इसलिए उठाऊँ क्योंकि ये लोग आ गए थे एंड दे नॉक्ड बिकॉज इट वॉज टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. दे वेरी पर्टिकुलर अबाउट द टाइमिंग्स, तो इसलिए उठ गया. अब बस उठ के ब्रेकफास्ट करके थोड़ा आसपास एक्सप्लोर करूँगा. आई एम नॉट गोइंग टू गो एनी वेयर आज.
कहीं दूर नहीं जाने वाला हूँ, पास में लेक्स हैं यहीं पे, ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, गार्डन्स हैं, जस्ट गोइंग टू बी ईजी, गोइंग टू बी लाउंजिंग अराउंड हियर। दे हैव अ वेरी नाइस स्पा, सोना, ऑनसेन, आई टेल यू व्हाट एन ऑनसेन इज, तो पूरा पानी गर्म रहता है उसमें, और एंड यू कैन जस्ट सिट इन साइड। सो आई थिंक 3-4 घंटे में सिर्फ ऑनसेन में बैठ के माउंट फूजी को देखता रहूँगा, उसकी ब्यूटी को, दैट्स व्हाट आई एम गोना डू। अगर आप में से कोई बहुत इंथुजियास्टिक है तो जो माउंट फूजी का आप ट्रिप बनाए तो 2 नाइट्स का नहीं बनाए, एटलीस्ट 3-4 नाइट्स का बनाए, सो दैट 2 नाइट्स कैन बी यूज टू क्लाइंब माउंट फूजी। इट कैन बी डन इन अ डे, इट कैन बी डन इन 2 डेज, इसके बारे में मैं आपको और डिटेल्स दूंगा। चलिए, आई एम गोना ईट ब्रेकफास्ट, दैट इज पोक सूप, दैट इज सैलड, सम नट्स हियर, some condiments here, coffee, and there is rice, this yes, sausages, fried egg, but rice for breakfast, quite different. So rice for breakfast, I've not eaten rice ever for breakfast before, but in Japan they do eat rice for breakfast, it's steamed rice. So, I am gonna try it, even though I am not too keen, but why not, when in Japan, do like the Japanese. Because it's a huge property, they have these buggies to ride you through. Just kidding, abhi the sun is out, bahut achha weather ho raha hai, toh yeah, kuti buggies bhi hain. So all these buggies are used to transfer you from one place to the other. यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये इनका एक गोल्फ कोर्स भी है, इनका नहीं है, यू गॉट टू टेक परमिशन एंड आई थिंक दे विल चार्ज यू अ लिटिल एंड यू कैन गो प्ले गोल्फ। मुझे तो आता नहीं है गोल्फ, सो आई एम नॉट गोइंग। और ये ऐसे ही लाइन में ये दूसरा है विला, ये एक और विला है, सामने एक और विला है, और वो जो आप ब्लैक उधर देख रहे हैं द ब्राउन एंड ब्लैक, वहाँ पे हम जाने वाले हैं फॉर आर ऑनसेन, फॉर द सोना एट 3। सारे आपके विलाज 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 हैं, माउंट फूजी उधर है, हर विला से आपको व्यू मिलता है। ये रहा यहाँ से ये पूरा, सो आई थिंक दे हैव 12 विलाज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 2 यहाँ पीछे भी हैं, एंड दे ऑल गिव यू द व्यू, और वो रहा सोना। So it is a beautiful, beautiful location. And frankly, यार मैं अगर बताऊँ, अगर आप यहाँ पर हो 1-2 दिन के लिए, जैसे कि मैं, मेरे को तो कल आते आते बहुत लेट हो गया था, सो यू डोंट रियली नीड टू गो एनी वेयर, दैट्स वॉट आई फील। मतलब अगर मेरा, देखिए, अगर कल का दिन वेस्ट नहीं हुआ होता आने में, तो मैं क्या है, कल मैंने रिलैक्स किया होता, मैं आ गया होता, और आज मैं जो नीचे लेक साइड और वो सब है वहाँ आज चला गया होता। सो या दैट्स व्हाट यू कैन डू, बट बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट यहाँ से कावागुची को जो स्टेशन है वहाँ के, कल मैंने कुछ 4,500 येन दिए थे कावागुची को स्टेशन से यहाँ तक, तो उतना आपको प्राइसिंग बेयर करना पड़ेगा आई फील। क्योंकि मेरा क्या है कि टोक्यो, क्योटो, ओसाका सब इतना फास्ट 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 वो था कि आई वॉजेंट रियली गेटिंग टाइम टू ब्रीद। आई थॉट यहाँ पर मैं बस सिर्फ बैठूंगा, चिल करूँगा, एंड आई प्लान कि आई एम नॉट गोइंग गो आउट और डू एनीथिंग, अदरवाइज आई एम अ बिग हाइकिंग एंथुजियास्ट, लेकिन फिर भी मैं इस ब्यूटिफुल पहाड़ पर चढ़ने का अटैम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, कीपिंग दैट फॉर नेक्स्ट ट्रिप टू जापान। वैसे भी मेरा जो वीज़ा है 5 साल का लगा हुआ है, मैं कभी भी आ सकता हूँ, तो ये है, तो अकॉर्डिंगली आप लोग प्लान कीजिए। 5 PM सनसेट हो जाएगा और फिर मौसम होने वाला है ठंडा। कम ऑन, लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट एन ऑनसेन इज ऑल अबाउट। सो इट्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द जापानीज कल्चर एंड यू विल फाइंड दीज इन मेनी सीनिक एरियाज थ्रू आउट जापान। कैन यू सी द स्टीम कमिंग आउट ऑफ द वाटर? वेल, इट्स कोल्ड आउटसाइड, बट व्हेन यू टेक अ डिप इन दिस, you're gonna feel so, so warm. And just enjoy this view ahead.
Temperature is just so perfectly controlled. I mean, outside it's really cold right now. Not very cold, but it must be about 14-15 degrees. But as soon as you dip into this hot water, perfectly temperature controlled. ना बहुत ज़्यादा गर्म है, ठंडा तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ना बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं पसंद. तो बाहर ठंड, यहाँ गर्म, आप परफेक्टली इस ठंडे मौसम का मज़ा ले सकते हैं वाइल यू इन्जॉय ब्यूटिफुल व्यू. तो मैंने अभी तक ऑनसेन एक्सपीरियंस नहीं किया था. दिस इज़ माई फर्स्ट इन जापान. और एक इनू पेनिनसुला है आसपास विच इज़ वेरी फेमस फॉर ऑनसेंस. इवन द क्योटो रीजन हैज़ अ फ्यू ऑनसेंस. सो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग देयर, क्योंकि मेरी आइटनरी बहुत शॉर्ट थी, तो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग देयर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं. वरना फूजी में आप सेंसेस पे आइए, यहाँ रुकिए और एक्सपीरियंस कीजिए ऑनसेन. अदरवाइज इवन इन टोक्यो और अदर सिटीज यू विल गेट ऑनसेंस, बट मैनी ऑफ दोज विल नॉट बी अ प्राइवेट एक्सपीरियंस. इट बी मोर ऑफ अ पब्लिक एक्सपीरियंस जहाँ पे और भी लोग हैं. एंड मेक श्योर दैट यू हैव योर स्विमिंग ट्रंक, यू हैव योर परफेक्ट स्विमवेयर, तभी आपको ऑनसेन में जाने देते हैं. और कुछ ऑनसेंस में अगर आपके बॉडी में टैटू है तो मना कर देते हैं, सो बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट इज वेल. बट हाँ, यू कैन एक्सपीरियंस दी ऑनसेंस ऑल ओवर जापान बिकॉज इट इज़ अ वेरी बिग थिंग इन जापान. दे लव टू सिट इन द हॉट वाटर एंड दे लव टू स्पेंड आवर्स इन द हॉट वाटर. सो दे रियली लव इट. इट इज़ वन ऑफ अ यूनिक एक्सपीरियंस दैट यू कैन डू इन जापान. तो 6 बजे सनसेट हो गया था. उसके बाद थोड़ा मैं अपना एडिटिंग का काम कर रहा था और अब जोरों की भूख लगी हुई है. It is 7:30 and now our dinner is going to be prepped, which is going to be some nice barbecue. I don't know what's the menu for today, so chaliye, let's check it out. Aur to hai zoron ki thand. It is I think 12 or 13 degrees right now. Dekhte hain hamara dinner kya ban raha hai. What is there for dinner? Yeah. Oh, ahich. Sauteed vegetables. And pumpkin soup. Wow. Something else, something fruits. Else. May I? Thank you. Yeah. Burrata cheese. Okay. And fruits. So that's for dinner. Okay. Nice. With some burrata cheese, that's pumpkin soup, and that's some chicken. This was there yesterday, burrata cheese, lekin grapes ke saath tha. Aur ye kal sauteed zucchini with something, with some other veggies thi. Aaj isme thoda meat inhone kuch add kiya hua hai. I have to ask them ye kya hai. Baki the chicken, oh man, this is different. This wasn't there yesterday. कल चिकन की प्रिपरेशन अलग थी, वेरी वेरी जूसी. एंड दिस माय फेवरेट पम्पकिन सूप. देखो मैंने ख़त्म भी कर दिया. दिस इज अ श्रिम्प बर्गर. तो अब ये है हमारा फाइनल कोर्स विच इज़ जापानी स्टाइल पॉट. अब इसमें है ये श्रिम्प है, इसमें ये नूडल्स हैं, इसमें मशरूम है, देर इज़ चिकन, देर इज़ फिश. सो इट्स क्वाइट अ लॉट, सब कुछ एक ही में. एंड नाउ लेट्स ईट. तो ये लीजिए और इससे अपना आप बोल भरिए. तो ये था हमारा 5-course मील. आई डिडंट ईट द आइसक्रीम, इट्स too cold for ice cream, and their ice cream is a little different. Some green tea time. मज़ा आ गया यार, मतलब 5-course meal में मज़ा आ गया. But like I said, ice cream इनकी काफ़ी different थी. I mean कल मैंने try की थी, but I just took a bite, it was more like a cream roll, so I didn't want to try that. But खाना, oh man, the breakfast was so good, the dinner so good. I think apart from the view जो सामने है, food major major highlight of this place, and of course the
सोना, दैट्स बीन अ मेजर हाईलाइट इज वेल. तो मजा आ गया, एट सो मच, आई एम सो फुल, सो सो फुल. तो अब बज रहे हैं 8:30. आई नो इट्स टू अर्ली फॉर मुंबई, दिल्ली और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, इवन इन टोक्यो ओसाका 8:30 तो बहुत अर्ली था. बट यहाँ पे माउंट फूजी इधर इस एरिया में 8:30 बहुत लेट है, बिकॉज़ 8 बजे तक आपका डिनर हो गया है. इट इज़ जस्ट कम्प्लीटली साइलेंट आउटसाइड, पिच डार्क, सो देर नॉट मच टू डू बट जस्ट बी इन साइड द क्विल्ट एंड जस्ट वॉर्म योर सेल्फ अप एंड प्रिपेयर फॉर अ गुड नाइट स्लीप. मोर ओवर कल मेरी बस है जल्दी सुबह, आई विल बी गोइंग बैक टू टोक्यो. उसके लिए बस लेनी है सुबह 9:30 फ्रॉम कावागुचीकू स्टेशन, जहाँ हमें कैब की वेट करनी पड़ी थी वहीं से. तो सुबह 7:30 बजे ब्रेकफास्ट होगा, 8:30 दे आर गोइंग टू गिव मी अ ड्रॉप टू कावागुचीकू स्टेशन और वहाँ से बस लेकर बैक टू टोक्यो. कल मैं टोक्यो में हूँगा और फिर तो अब ग्रीन टी खत्म करके मैं जा रहा हूँ सोने. ये था हमारा व्लॉग फ्रॉम माउंट फूजी. आई होप यू लाइक इट जितना मुझे आया मज़ा क्रिएट करने में. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए क्या अच्छा है क्या नहीं है. एंड आई होप कि आई कीप इंस्पायरिंग यू टू ट्रैवल, टू जस्ट पिक योर बैग एंड जस्ट लीव द हाउस एंड जस्ट गो समवेयर. वो है मेरा मेन पर्पस. तो चलिए, ऑन दैट नोट, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट फ्रॉम माउंट फूजी एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग विच विल बी ओकिनावा. बाय बाय.